दोस्तों नमस्कार, आपका ए टू जेड न्यूज चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसके पास ही में बेल आइकन होगा, उसको भी आप दबा लीजिए, जिससे हमारी जो भी नई नई वीडियोज़ होंगी वो सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो दोस्तों आज जो खबर निकल के आ रही है, बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है, बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है। मुकेश अंबानी ने अनिल को जेल जाने से बचाया। दोस्तों भाई ने भाई को इस तरीके से बचाया, इस बार दूसरी बार मुकेश अंबानी ने अनिल अंबानी को जेल जाने से बचाया। दोस्तों जो खबर निकल के आ रही है, कर्ज के बोझ में दबी रिलायंस कम्युनिकेशन आरकॉम के चेयरमैन अनिल अंबानी को अब सुप्रीम कोर्ट की अवमानना में जेल नहीं जाना पड़ेगा। कर्ज चुकाने की तय समय सीमा के ठीक एक दिन पहले बड़े भाई मुकेश अंबानी की मदद से आरकॉम ने स्वीडन की कंपनी एरिक्सन को 550 करोड़ रुपए में बकाया ब्याज समेत चुका दिया है। एरिक्सन ने भी सोमवार को उसकी पुष्टि कर दी। मुश्किल घड़ी में अनिल का साथ भाई और भाभी ने बखूबी निभाया। बकाया चुकाने के बाद अनिल ने बड़े भाई और भाभी के प्रति आभार जताया। उन्होंने ट्वीट किया, परीक्षा की इस घड़ी में मेरे साथ खड़े रहने के लिए मैं अपने बड़े भाई सम्मानीय मुकेश और नीता को दिल से धन्यवाद देता हूँ। समय पर इस मदद से उन्होंने हमारे मजबूत पारिवारिक मूल्यों को प्रदर्शित किया है और मेरा परिवार आभारी है। हम बीते कल से आगे बढ़े हैं और इस व्यवहार ने मेरे दिल को छू लिया है। आरकॉम कंपनी कभी देश की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी थी। 2017 में कर्ज के चलते कंपनी का वायरलेस कारोबार बंद करना पड़ा था। दोस्तों अगर ये कर्ज नहीं चुकाते तो 3 महीने के लिए जेल जाना पड़ता अनिल अंबानी को। पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी को अवमानना का दोषी करार दिया था। कोर्ट ने कहा था कि आरकॉम को 4 हफ्ते में एरिक्सन के 453 करोड़ रुपए चुकाने होंगे, तय समय से भुगतान न करने पर 3 महीने की जेल की सजा भुगतनी होगी। आरकॉम और जियो के बीच करार खत्म। रिलायंस कम्युनिकेशन और रिलायंस जियो ने दूरसंचार संपत्तियों की बिक्री के करार को समाप्त कर दिया। दोनों समूहों के सोमवार को इसकी घोषणा की और कहा कि मंजूरी मिलने में देरी की वजह से उन्हें यह कदम उठाना पड़ा है। दोस्तों ये पहली बार नहीं है कि अनिल अंबानी को मुकेश अंबानी ने बचाया। इससे पहले भी 2018 में भी भाई को उबारा था बड़े संकट से। यह दूसरी बार है जब मुकेश अंबानी अपने छोटे भाई को बचाने के लिए आ गया है। 2018 में मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो, इन्फोसिस के अनिल अंबानी के आरकॉम के वायरलेस संपत्ति के 3000 करोड़ में खरीदा था। टेली कम्युनिकेशन के बाजार में रिलायंस जियो ने के आने के बाद आरकॉम नकद के लिए तरस गया था। तो दोस्तों इस तरीके से भाई ने भाई का फ़र्ज निभाया और एक तरीके से अनिल अंबानी को जेल जाने से बचाया। तो आपको आपकी हमारी दोस्तों खबर कैसी लगी, प्लीज़ एक बार कमेंट्स करके बताएं। और साथ में आपसे छोटा सा निवेदन, प्लीज़ नीचे देखिए लाल कलर का बटन, सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए और जो बेल आइकन है उसको भी आप प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।